फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज क्या है? आज है हमारी एनिवर्सरी, पांचवी सालगिरह शादी की। 5 साल हो गए हैं शादी को हमारी। इतना दुखी हो गए क्यों? नहीं, मैं खुशी हो गया बता रहा, बाकी आप जानते नहीं। तो हमारी शादी को हो गए 5 साल पूरे और आज के दिन शादी हुई थी हमारी। और आज वैसे भी 9th फेब, जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक 10:11 लग चुकी होगी। तो आज है 9th फेब, तो हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, लड़ते झगड़ते 5 साल निकल गए, एक बच्चा भी हो गया। तो चलिए केक काटते हैं और आपको आगे के व्लॉग में मिलते हैं। तो इसमें से 2 केक रखे हुए हैं यहाँ पर, अभी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो एक केक है वो होममेड केक है, वो मैंने बनाया है, और एक केक जो है वो सुमल ने मंगाया है हम लोगों के लिए। तो अब हम अपना केक कटिंग करते हैं। जो होममेड वाला केक है पहले उसको काटते हैं, फिर वो वाला केक काटेंगे। डर रही है कैंडल भी? 5 साल हो गए ना, इसलिए थैंक यू सुमल। थैंक यू बोलना था आपको, थैंक यू। एक एक बहुत अच्छा है, पहले ही बना चुकी है और अब भी बनाया दोबारा हमारे। बहुत बार बना चुकी हूँ, खा चुकी है। आप हार्ट शेप पे फर्स्ट टाइम बनाया है इसलिए बोल रहे हैं। चलो अपनी कैंडल बुझा दो। अरे आके दिखा रही हूँ। अच्छा लीजिए मैडम, खा लो। यार क्या खुद ही खिलाने की कोशिश करेंगे? हैप्पी एनिवर्सरी को थैंक यू। अब हम ये वाला दूसरे केक की बात, अब इस वाले केक की बात। 2-3 स्टार्ट। जबरदस्ती करवानी पड़ रही है, मतलब 5 साल हो गए कुछ ही नहीं हो रही। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। केक तो आया नहीं, मैं खिला दूंगी। लो, हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो, सो फाइनली अभी केक कटिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं सोने। अभी तो फिलहाल मेरा ऑफिस चल रहा है, ऑफिस करके उसके बाद सोऊंगा मैं। और बस थैंक यू फॉर योर विशिंग। अभी हम जा रहे हैं कल, जिन्होंने हमें रात के 12 बजे विश किया उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुके थे अभी इस टाइम पे, तो उनके थैंक यू के रिप्लाई एक एक करके ही जाएंगे। तो अब हम सोते हैं, वरीशा भी उठ जाएगी सुबह को, तो व्लॉग सुबह को कंटिन्यू रहेगा मॉर्निंग में। तो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। गुड नाइट। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हम बनाने जा रहे हैं, मतलब मैं बनाने जा रही हूँ सनराइज पुडिंग रेसिपी, बनाने जा रही हूँ सनराइज पुडिंग जो होती है वो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है इसका। रेसिपी बना रही है किसकी? पुडिंग, हैदराबादी पुडिंग, सनराइज पुडिंग, समझ गए? हैदराबादी सनराइज पुडिंग बना रही है समरीन। यहाँ पे जो चैनल पे अलग से वीडियो आएगी जैसे, हाँ, पर वो इस वाले ब्लॉग के बाद आएगी। पढ़िया है नमाज? हाँ नमाज पढ़िया। चलो खाना बनाओ। बिरयानी बनाई है, अच्छा बिरयानी बनाई है एनिवर्सरी की खुशी में। अब शाम में कुछ और बनाएगी, क्या बनाऊँ शाम में?
तेरी बाहर से मंगाऊं। हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं पिकनिक बनाने, शाम हो रही है, घर से खाना पीना बना लिया है, अब चलते हैं और आपको वहाँ मिलते हैं नेहरू पार्क में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेहरू पार्क में, अब एंट्री करते हैं तो अब आपको आगे दिखाते हैं। वैसे हम यहाँ पे आए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, पिकनिक बनाए हैं छोटी सी, तो वो भी आप हमारे साथ एंजॉय करें। और वरीशा को जगह याद आ चुकी है क्योंकि वरीशा इससे पहले भी आई थी। अगर आपने हमारा पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आ जाओ, चलो इधर चलो, आओ जल्दी आओ। तो फाइनली अब हमें जगह मिल गई है, धूप भी है थोड़ी थोड़ी, अब हम यहाँ अपनी बिछाते हैं और बैठते हैं। यहाँ हमें बेंच चाहिए थी क्योंकि दो लोग नीचे नहीं बैठ सकते ना, अब्बू और खाला, अम्मा भी नहीं बैठ सकती फिलहाल अभी नीचे, तो जिसकी वजह से नीचे हम बच्चे बच्चे पार्टी बड़े इस बेंच पे। कौन से नहीं, नहीं चेंज नहीं करवाना, बस डिलीवरी के लिए चेंज करना है। ओहो, फेंक के थोड़ी देते हैं। परीक्षा जोर से लगाओ, घर में तो बड़ी चीखें निकलती है। वरीशा डॉगी भी खड़ा है, डॉगी भी आ गया मांगने। ये रहा, ये सड़क कैसे रही, वो भी बुला रहे हैं, कब्बे भी। वरीशा आ रही है, वरीशा भी निकाल के दे। मुझे खोजते
आज के तुझको देखा कैसे क्या या नबी हो गया वो। खोजते खोजते तुझको देखा कैसे क्या या नबी हो गया वो। दे दो या नबी मेरे दिल को दिलाता आया हूँ दूर से होके रुआता। जब गलत तू सुनेगा न दिल की जब गलत तू सुनेगा न दिल की दर्द तेरे मजाएगा। बच्चे बच्चे होते तो फैसल ने मुझे एक बहुत अच्छा वाला सरप्राइज दिया गिफ्ट में जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने इस बार सोचा ही नहीं था कि फैसल मुझे गिफ्ट देंगे। हर बार सोचा था पर इस बार नहीं सोचा था और इस बार नहीं सोचने में मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिल गया। मुझे जो गिफ्ट मिला है ना सबसे अच्छा गिफ्ट ये मेरे एयर रिंग्स जो दिख रहे हैं ना ये मुझे फैसल ने दिए और मैं सो रही थी मुझे ला के दिए एकदम से मैं शॉक हो गई कि ये अरे आपने ला के दिए। थैंक यू यार। फिफ्थ एनिवर्सरी थी हाँ। 5 साल हो गए ना तो उसकी खुशी में वही बोलना चाह रहा था कितने गंदे हो। और मैंने भी उनको गिफ्ट दिया मैंने तो उनको बहुत पहले दे दिया था ये स्वेटर ये स्वेटर जो पहने बट मुझे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं था कि वो मुझे ये गिफ्ट देंगे क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा 5 साल हो गए अब कौन सा गिफ्ट देंगे और मैं मांग भी नहीं रही। मैंने कहा इतना बड़ा आईफोन उन्होंने मुझे लास्ट ईयर दे दिया था अब मैं नहीं मांग रही तो उन्होंने खुद ही ला के दे दिया। थैंक यू वेलकम। चलो ये हमारी बच्ची ये लोगों को देख रही है वहाँ पे हफ्ते दौड़ के इस पार्क के बारे में पूरी डिटेल में जो व्लॉग है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है आप देख सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। भागो चलो अंधेरा होने को आया घर चले। ये ट्रिप शॉर्ट नोटिस होती है और शॉर्ट टाइम के लिए पूरी हो गई। नेक्स्ट टाइम के लिए सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट लेकर डिनर करके जाएंगे। ये कैब बुक करते हैं और फिर चलते हैं घर क्योंकि हम हैं ज़्यादा लोग तो हमारी कार में आ नहीं सकते थे जिसकी वजह से हमें कैब से आना पड़ा और कैब से ही जाना पड़ा। हम घर पर आ चुके हैं अब डिनर की तैयारी करते हैं खाना खाएंगे बैठ के डिनर करेंगे। हो गई है एनिवर्सरी की अभी सो अभी मैं ले आया हूँ यहाँ पे चिकन फ्राई और अचारी चिकन। हमने दोपहर में खाई थी बिरयानी और अभी समरीन ने बनाई थी पुडिंग इसकी ऑलरेडी आपने रेसिपी देख ली हुई। और एक और चीज़ है वो अबू गए थे घर पे तो वहाँ से वो लेके आए गन्ने की खीर जो हर कोई नहीं बनाता है। खाने में बहुत अच्छी होती है दूध के साथ अच्छी है बहुत आप खाओगे एक बार तो मुंह पे लग जाती है। और लोग खाते होंगे उनको पता होगा कि ये वाली खीर दूध में डाल के खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। गन्ने की खीर होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो और ये बनती भी चूल्हे पे है लकड़ी वाले चूल्हे पे ऐसे गैस वाले पे नहीं बन सकती है तो ये बहुत अच्छी बहुत मेहनत लगती है इसमें। घर है वहाँ से आई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जिन्होंने खाया होगा उनको तो पता होगा जिन्होंने नहीं खाया तो एक बार ज़रूर से खाना गन्ने की रस वाली खीर। आप क्या खा रही हैं क्या खा। फाइनली अब हम अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो ये हमारी एनिवर्सरी का ही व्लॉग था सिर्फ। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।